फ्रेंड्स, जय संतोषी माता। आप सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे। और आप सब कैसे हो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सब कैसे हो। तो ये है फ्राइडे का दिन, तो यहाँ पे चावल निकाल रहे थे, तो ये बोरी आई थी, तो चावल ख़त्म हो गए थे बनाने के लिए। मैंने कहा बोरी खोल दो, क्योंकि बच्चों से ना छोटी मोटी काम कराने चाहिए। तो वैसे भी बच्चे हमारे सारे बहुत ही काम कराने में एक्सपर्ट हैं, जो भी काम कहो वो तुरंत करते हैं। तो यहाँ पे करण है, चावल निकाल देगा इस डिब्बे में, और मैंने कहा यहाँ पे इसे कंटेनर में कर दो और बकाया मैं कर लूँगी। और ये है मॉर्निंग का समय, तो यहाँ पे मैं वो जो चावल रह गए थे, तो क्योंकि ये डब्बा मैं बाल्टी मैंने धोया था ना, तो सूखा नहीं था, तो अब हम इसे चावल इसी में भर देंगे। ये शनिवार का दिन है, तो यहीं पर से मैंने ब्लॉगिंग और भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मिक्स कर दिया था। यहाँ पे हम चावल भर लेंगे, क्योंकि छोटे मोटे ना बच्चों से काम कराते रहते हैं, और बच्चे भी हमारे बड़े हो गए हैं और बहुत ही समझदार हो गए हैं, खुशी की बात है। और भी आज मुझे ना बहुत खुशी की बात सुनने को मिली, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, और वो बताऊँगी अभी नहीं। और बहुत अच्छा लगा जब मुझे सुनने को मिला अर्जुन के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कहते हैं ना बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, कुछ पता नहीं। तो अर्जुन मेरा यहाँ पे ना क्या बताऊँ मैं, खुशी का ठिकाना नहीं होता कि जब बच्चे हम अच्छे निकलते हैं, और तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे मैंने चावल आटा भर के रख दिया है, तो वो खुशी मैं ज़रूर जाहिर करूँगी, पर अभी नहीं। वो मैं प्रूफ के साथ आपको फिर मैं आपको खुशी जाहिर करूँगी। तो यहाँ पे कहते हैं ना आटा जहाँ गिर जाता है तो वहाँ चिपचिपा हो जाता है, तो वहीं पे मैं धुलाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे धुलाई कर लेती हूँ तो साफ हो जाता है, और जहाँ आटा होता ना चिपचिपा पड़ हो जाता है ना, तो वहाँ पे फिर अच्छा नहीं लगता है पैर रखते हुए। तो यहाँ पे हम धुलाई कर लेते हैं, क्योंकि छोटा बेटा स्कूल गया हुआ है, और जो मतलब बड़ा बेटा है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं इंटर के, तो अपनी वो पढ़ाई कर रहा है। और अर्जुन है, तो वो भी क्या है कि वो मतलब हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, और वो जाके अपने आप जाके कहते ना अखबार से वालों से बात कराया, और वो ना मॉर्निंग में जल्दी उठ भी जाता है 5:30 बजे, और जाके अखबार वो इधर उधर डालता जाके। तो फिर मैंने बच्चों से भी मतलब कहते ना कि अपने आप बेटे जब मतलब बच्चे करते हैं ना, बस अच्छा काम करते हैं, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए। तो बस मैंने बस एक बार ये कहा कि अगर देखो काम अगर आप मतलब अच्छा लगता है करने में, जैसे मतलब उसके अंदर ये आ गया है कि मैं कुछ करूं, तो अभी से जब बच्चों के अंदर बचपन से ही कुछ करने का हौसला होता है ना, तो वो आगे बहुत कुछ करते हैं। तो माँ बाप के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जब बच्चे मतलब मन में ठान लेते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, बचपन से उनके अंदर आ जाता है। तो कहते हैं ना हमारे बच्चों के अंदर एक खेल कूद बहुत कम रहा है, और बच्चों के अंदर ये रहा है कि मैं अपने आप को कैसे मजबूत करूं, क्या काम करूं। तो मेरे बच्चों के अंदर ये हमेशा रहा, क्योंकि देखते हैं कि मेरे पापा तो सारा काम निपटा के, और यहाँ पर मैं आ गई थी, तो यहाँ पर रायता बना रही हूँ खीरे का, क्योंकि खीरे का ना इस समय रायता बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे, और हम सब लोग बहुत अच्छा लगता है। तो खीरे जय संतोषी माता। तो अब आ गए हैं हम किचन में, तो मैंने थोड़ा सा इंतजाम कर ही लिया है, तो रायता बन गया है, खीरे का चावल बन गए हैं, और लौकी बॉयल कर लिया है, और इसे हम बनाएंगे कोफ्ता। तो जल्दी से फटाफट इंतजाम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो रायता और चावल बन के रख दिए हैं, और यहाँ पे मैंने लौकी मैंने बॉयल कर लिया था, उसे कद्दूकस करके, और इधर ले लिया है बेसन, और इसमें डाल दिया है हल्दी, मिर्चा, धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला, हींग है, नमक है, जीरा है, यही सब डाल के, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसके बनाएंगे कोफ्ता। तो यहाँ पे दूध बॉयल हो गया था, तो दूध ठंडा हो गया था, दूध को हम लगा देते हैं फ्रिज में,
और मेरे आना दूध वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो दूध होता है ना, बच्चे हैं तो पीते नहीं हैं, दूध को पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कि दूध अच्छा नहीं आता, बिल्कुल पानी आता है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं ना कुछ हम बना देते हैं। जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं शाम को दूध दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया था और तब तक ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इसमें हम बना लेंगे कोफ्ते। तो बस इनके कोफ्ते बना के हम रख लेते हैं। तो बस कहते ना कि इस समय ना बनाओ तो क्या बनाओ, सब्जियां हरी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और ऐसी ही आ रही हैं, वो अच्छी भी नहीं लगती हैं, तो कुछ ना कुछ इसी तरीके से बना लेते हैं। और ये देखिए कोफ्ते हमारे बन रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ना कि बेटा मेरा अर्जुन है तो बोला कि मम्मी आप नाराज मत होइएगा और मैं सुबह उठ के सारे काम निपटा लूँगा। और इधर देखिए ये है प्याज। प्याज का मैंने एक, मैं क्या करती हूँ क्योंकि लाइट रहती नहीं है और इसी वजह से हम प्याज को हम पीस के रख लेते हैं, पीस के और उसे हम एक छलने से छन्ना होता है ना, इससे बड़े छेद वाला, उसे हम अच्छे से निकाल लेते हैं, छान लेते हैं, जो बड़ा बड़ा होता है वो निकाल के फेंक देते हैं। और यह है टमाटर की प्यूरी, तो इसको भी हम बना के रख लेते हैं और फ्रिज में लगा देते हैं, यानी कि दो बार की सब्ज़ी बन जाए, इस तरीके से हम बना के रख लेते हैं, क्योंकि इस समय लाइट पता नहीं क्यों रुक नहीं रही है इसी वजह से। और मिक्सी है वो लाइट से चलती है, तो इन्वर्टर से चलती नहीं है इसी वजह से। तो ये दो काम हम पहले ही कर लेते हैं और इसे हम फ्रिज में लगा देते हैं, ताकि मतलब अर्जेंट अगर लाइट भी नहीं है तो हमारे पास प्याज और सब है, तो पेस्ट लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना के रख लेते हैं। और इधर देखिए हम हल्दी मिर्चा धनिया का जो है पेस्ट वो भी डाल देते हैं। और ग्रेवी ना बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और यह है लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे भी हम बना के रख लेते हैं। ना हस्बैंड आ गए थे, बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया था, टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था आज खाना बनाने में, इसके बाद सो गई थी, फिर सारा काम निपटा के अभी उठी हूँ जस्ट। और उठ के फिर मैंने सोचा चलो लोगे अपना एंड करना है, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, छोटा सा रखूँगी। और कल हमारे यहाँ डस्ट होना है और एक जगह रोक है, वहाँ भी जाना है, तो कल तो पूरा दिन बिजी रहूँगी। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको दबा दीजिएगा। और मैं तो ये जानती हूँ कि जो भी मेरे नया आता है ना तो मुझे फ्रेंड बना ही लेता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि जो भी आ रहे हैं हमें फ्रेंड बना लेते हैं। इसके लिए तहे तहे दिल से थैंक यू। और चलते हैं, बस यहीं तक वीडियो रहेगा, एंड करूँगी और कल के ब्लॉग में देखती हूँ क्या बना पाती हूँ क्या नहीं। फिर इसके बाद परसों गांव जाऊँगी, गांव का ब्लॉगिंग आएगा, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। और चलते हैं, बाय बाय।